हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजय सिविक्स। मैं विशाल सर आप लोगों के लिए क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम लोग इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर देखेंगे। इसके पहले दोनों लेक्चर में हम लोगों ने साइंस, साइंटिफिक मेथड, साइंस के ब्रांच, फिजिक्स और फिजिक्स को इंटरेस्टिंग और आसान बनाने के लिए उपयोग होने वाले दोनों थ्रस्ट, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग फिजिक्स के स्कोप, उसके एक्साइटमेंट और किस प्रकार से फिजिक्स किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किसी दूसरे सब्जेक्ट को हेल्प करता है उसके इम्प्रूवमेंट में, ये देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप बहुत फैला हुआ है। हमने पहले वाले लेक्चर में ही देखा था कि जो फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे इसका स्कोप इनफाइनाइट है। हमारे नजर में जितने भी वस्तु है हमारे आसपास का, जितने भी हमारे नजर के सामने हैं, या फिर जिन उन वस्तुओं को जिन्हें हम देख भी नहीं पाते हैं बट उनका एग्जिस्टेंस है हमारे आसपास, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे फिजिकल वर्ल्ड के फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं। तो ये सारे के सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम लोग एक बार में कैसे पढ़ेंगे? जब तक उनके कैटेगरी को डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे पढ़ेंगे उनके बारे में? उनके बारे में स्टडी हम लोगों को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन लोगों के बारे में उन सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करने के लिए, उनके बारे में डिटेल नॉलेज लेने के लिए हमने डोमेन वाइज डिवाइड कर दिया। अलग अलग डोमेन में अलग अलग शेप एंड साइज के रिलेटेड ऑब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिकल ऑब्जेक्ट जिस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, जिस प्रिंसिपल पे उसके अलग अलग फिनोमेना जो है हम लोग देख रहे हैं, वही फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है ना। हमारे नेचर में जितने भी वस्तु हैं उन सभी चीज उनके उन सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का हम लोग डिटेल स्टडी जो करते हैं ना, उसके नेचर के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में ना, उसके सारे फिनोमेना जितने भी हैं उन सबके बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो वो फिजिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अलग अलग डोमेन में डिवाइड कर देते हैं कि इतने इस साइज वाले फिजिकल ऑब्जेक्ट का फिनोमेना हम लोग इस डोमेन में पढ़ेंगे, इस साइज के फिजिकल साइज, इस साइज के फिजिकल ऑब्जेक्ट का जो फिनोमेना है हम लोग इस डोमेन में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग डोमेन का रचना किए और अलग अलग डोमेन में अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट का फिनोमेना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्कोप को हम लोग लिमिटेड करने के लिए हमने तीन प्रकार के डोमेन बनाए। पहला डोमेन माइक्रोस्कोपिक डोमेन हो जाता है, दूसरा डोमेन माइक्रोस्कोपिक डोमेन हो जाता है और तीसरा मेसोस्कोपिक। बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन की। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है ये डील करता है उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उन ऑब्जेक्ट्स को डील करता है जिनका साइज जो है बहुत बड़ा हो या फिर हम लोगों के मतलब हम लोग देख पाए उसका साइज, वो मैक्रोस्कोपिक उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के फिनोमेना को डील करता है, उसके उस फिजिकल ऑब्जेक्ट के फिनोमेना को इंक्लूड करता है जिनका साइज
आकाशीय पिंड के साइज के बराबर हो, खगोलीय पिंड के साइज के बराबर हो, या हमारे प्रयोगशाला लेबोरेटरी जो है, लेबोरेटरी में जो यूज करने लायक है उन सब ऑब्जेक्ट्स के साइज के बराबर हो। तो इस प्रकार का जितना भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल साइज के हों या टेरेस्ट्रियल साइज के हों या फिर आपके लेबोरेटरी साइज के हों, तो इन साइज के ऑब्जेक्ट्स को जो हम लोग स्टडी करेंगे, इन साइज के ऑब्जेक्ट्स का स्टडी जो है हम लोग मैक्रोस्कोपिक डोमेन में करेंगे। जैसे सन हुआ, अर्थ हुआ, तो अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, कब जो है वो एपोजी रीजन में जा रहा है, कब वो पेरिजी रीजन में जा रहा है, कब उसका स्पीड फास्ट हो रहा है, कब उसका स्पीड स्लो हो रहा है ना। क्यों ये मंथ तीन, मतलब ठंडा वाला जो है वो तीन मंथ का ही होता है, जबकि नॉर्मल जो है मंथ जो है वो एवरेज मतलब कि 9 महीना 8 महीना 7 महीना ऐसे चलता है। गर्मी क्यों मात्र 2 मंथ जो है बहुत ज्यादा भयानक गर्मी पड़ता है, बारिश क्यों इतना ही मंथ होता है। तो ये सारे के सारे जितने भी ये नेचुरल फेनोमेना है वो अर्थ के बारे में है, और अर्थ का साइज जो है वो काफी बड़ा है, ये खगोलीय पिंड के साइज का है। या फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक बंदूक की गोली को ले रहे हैं और बंदूक से हम लोग चला रहे हैं, तो देखते हैं कि बंदूक जो है, बंदूक का पीछे वाला जो है खटका वो पीछे की ओर चला जाता है और बंदूक जैसे ही आगे की ओर जाता है। या फिर नाव पे खड़े हैं और नाव जो है नदी में है, जैसे ही हम आगे की ओर जंप लगाते हैं नाव पीछे की ओर चली जाती है। तो इस प्रकार का जो फेनोमेना है ये सारे के सारे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, इन साइज के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इस प्रकार के साइज का जितना भी ऑब्जेक्ट है और इससे रिलेटेड जितने भी फेनोमेना है, जितने भी आपका नॉलेज है, वो हम किस डोमेन के थ्रू प्राप्त करेंगे, वो हम लोग मैक्रोस्कोपिक डोमेन के थ्रू प्राप्त करेंगे। अब हम लोग आते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रो मतलब अति सूक्ष्म। ये डोमेन आपको न्यूक्लियर साइज, एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके फेनोमेना को इंक्लूड करता है। जैसे अगर हम लोग थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ सिस्टम, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। रोटेशनल रोटेशन की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि कोई एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, लेकिन अगर वो उस मॉलिक्यूल से मिलके एक सॉलिड बॉडी बनता है तो वो एक सॉलिड बॉडी जो है वो रोटेट करता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और ये इसका एक्सिस है, तो इसके एक्सिस के अलावा ये रोटेट कर रहा है। अगर हम इसके एक पॉइंट को टच करते हैं तो ये पॉइंट जो है इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन पूरे बॉडी को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो पॉइंट है, इसका मोशन ये तो अलग हो जाएगा ना, इसका मोशन तो सर्कुलर, पूरा बॉडी तो रोटेट कर रहा है लेकिन इसका मोशन सर्कुलर मोशन है, तो इसका नेचर जो है बाकी ये जो बॉडी है इससे अलग हो जा रहा है। उसी तरीके से हम लोग जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे की ओर गिरता है, लेकिन जब आग लगाते हैं तो आग लगाने के बाद जितने भी डस्ट मतलब धूल कण हैं या फिर धुआं जो है जो जलने के बाद, तो ये देखिए वो ऊपर की ओर ट्रैवल करता है, ऊपर की ओर मूव करता है। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए ये क्या है, इनके लिए हम लोग एटॉमिक लेवल का स्टडी करेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर लेवल का स्टडी करेंगे। तो इस के लिए इन मतलब एटॉमिक साइज के ऑब्जेक्ट हुए, न्यूक्लियर साइज के ऑब्जेक्ट हुए या मॉलिक्यूलर साइज के ऑब्जेक्ट हुए, तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट का स्टडी करने के लिए हम लोगों ने अलग प्रकार का डोमेन बनाया और इस डोमेन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। इस डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन, है ना। इसमें अति सूक्ष्म वस्तुओं के का अवलोकन किया जाता है और उनके बारे में स्टडी किया जाता है, उनके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी किया जाता है, उनके फेनोमेना के बारे में स्टडी किया जाता है। तीसरा जो है वो है मेसोस्कोपिक।
तीसरा क्या है, मेसोस्कोपिक डोमेन। ये माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों के बीच वाला डोमेन है, जो कि हंड्रेड्स ऑफ एटम्स है ना, 100 एटम के साइज के वस्तुओं का जो है स्टडी जो है इस डोमेन में हम लोग करते हैं। क्योंकि वैसा वस्तु जिसका आकार 100 ऑफ एटम्स के आसपास हो है ना, तो उस प्रकार के वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, एक अलग डोमेन बना लिए हैं, क्योंकि उस प्रकार का वस्तु का नेचर इन दोनों से अलग हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग को अलग डोमेन बनाना पड़ा और उस डोमेन में उस साइज के ऑब्जेक्ट का हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। तो समझ में आया, तीन प्रकार के डोमेन, माइक्रोस्कोपी अति सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन, मैक्रोस्कोपी वृहद या लार्ज ऑब्जेक्ट का स्टडी, मेसोस्कोपी जो कि 100 एटम्स जो हैं 100 परमाणु के आकार मतलब कि बराबर के साइज का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग मेसोस्कोपिक डोमेन, है ना। ये जो आपका फिजिक्स है इसका स्कोप इतना ज्यादा लार्ज है, इतना ज्यादा लार्ज है, और इसी कारण से ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट मतलब कि देता है स्टूडेंट लोगों को। ये आपको ब्रह्मांड का साइज जो होता है 10^25 मीटर से लेकर एटॉमिक मतलब एक छोटा सा जो हो जाता है न्यूक्लियर साइज जो है 10^-14 मीटर, इस साइज तक के भी ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, अपने में समाहित कर लेता है। तो बड़ा से बड़ा जो भी हो जाए और छोटा से छोटा जो भी हो जाए, सब के सब वस्तुओं को ये अपने अंदर समाहित किए हुए, इस कारण से ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। सबका नेचर अलग अलग है, सब का जो है अलग अलग प्रॉपर्टी है, सबका जो है अलग अलग इफेक्ट है ना। तो इन सारे के नॉलेज को हम लोग प्राप्त करते हैं और फिर क्या करते हैं, यूनिफाई करते हैं, रिडक्शनिज्म का यूज करके समझते हैं ना, तो इसका इंटरेस्ट जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से हम लोग को जो एक्साइटमेंट देता है ना, क्यों फिजिक्स जो है इतना इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे हम हैं अपने घर पे, अपने घर पे ये लेक्चर तैयार किए, यूट्यूब पे पोस्ट किए और आप लोग अपने घर पे इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, ये किस कारण से संभव हो पाए। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के डेवलपमेंट के कारण हो पाया, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के कारण हो पाया। ये जितना अभी है हम लोग देख रहे हैं, टीवी हुआ, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हुआ है ना, आपका डेटा जो पहले देखिए, पहले 2G था, उसके बाद 3G आया, 4G आया, अब 5G लॉन्च होने वाला है, अलग अलग जेनरेशन में स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो पहले क्या था, पहले वीडियो डाउनलोड करते थे, डाउनलोड करने के बाद तब देखते थे, और डाउनलोड भी कैसे करते थे, 3GB में। अब क्या है कि लाइव स्ट्रीमिंग कर देते हैं कि जहां पे पढ़ रहे, मतलब जो भी वीडियो अभी हम लोग शूट कर रहे हैं और आप लोग उसी टाइम एट ए टाइम देख रहे हैं, या फिर तुरंत क्या किए, नेट का डाटा ऑन किए और रिकॉर्डेड अगर वीडियो है तो देखे जा रहे हैं हम लोग, कोई डाउनलोड करने का कोई चोर हटाओ। पहले आप लोग खुद याद कीजिए, पता नहीं अब आप लोगों के टाइम में, लेकिन हम लोगों के टाइम में था कि 25-25 रुपया 30-30 रुपया लेता था एक डाउनलोडिंग सेंटर वाला, और तब जाके 20 गाना 25 गाना जो है वो मोबाइल के मेमोरी में डालता था, है ना। स्टूडेंट जो है मतलब कि इस तरीके से जो है गाना हो या इंटरटेनमेंट का जो भी साधन है उसको करते थे, जाके कैफे में या फिर डाउनलोडिंग सेंटर पे ये सब डाउनलोडिंग कराते थे। लेकिन अब ये स्थिति है, अब 4G नेटवर्क आने से क्या होता है कि आप लोगों को जिसका भी लेक्चर चाहिए है ना, जिस टीचर का भी लेक्चर चाहिए, वो तुरंत आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उसका वीडियो आ जाता है और एट ए टाइम देखने लगते हैं। तो ये डेवलपमेंट किस कारण से हुआ, ये डेवलपमेंट फिजिक्स के कारण से हुआ, और ये बहुत अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है।
ये आपको इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट बढ़ा दिया कि नहीं, कि ये क्यों ऐसा होता है, क्या आज के पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। धीरे 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 और डेवलपमेंट होगा। तो जैसे जैसे इसमें आप इंटरेस्ट लीजिएगा तो आप और गहरा, अब ऐसा हो कि कल आप कोई और नया टेक्नोलॉजी ला दें, आप किसी नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें, तो ये कब संभव है, जब आप फिजिक्स में अपना मन रमाइएगा, मजा आएगा। अगर फिजिक्स में तो आप एक नया भी आप अपना ढूंढ लीजिएगा। जितना भी टीवी पे हम लोग देखते हैं लाइव डिबेट या फिर रोबोट जो है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, रोबोट को देखिए, पूरा ह्यूमन बींग की तरह काम करता है। हमारा कंप्यूटर जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सब किसके कारण है, फिजिक्स के कारण है। लेजर, आंख में बिना चीरा लगाए लेजर के द्वारा क्या करते हैं कि उसका जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसे आपका आई लेंस को पिघलाकर और उसको फिर खींच लिया जाता है, फिर उसके जगह पर फिर कोई मोल्टेन लेंस जो है वो डाल दिया जाता है। ये किस कारण से संभव हुआ, ये सारा का सारा फिजिक्स के डेवलपमेंट के कारण संभव हुआ। और यही जो है फिजिक्स का रियल एक्साइटमेंट है। जब आप अगर मूवी देखते होंगे तो देखिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड जितने भी मूवीज हैं वो आपको बहुत ज्यादा रोमांचित करेंगे। कोई व्यक्ति फ्यूचर में चला जाता है, कोई व्यक्ति पास्ट में चला जाता है, जाके अपने टाइम को चेंज करता है, अपने प्रोफेशन को चेंज करता है, भविष्य में जाके या फिर भूतकाल में जाकर अपने जो गलती किया है उस चीज को सही करता है। तो ये सारा का सारा कैसे पॉसिबल है, तो ये सारा का सारा फिजिक्स के कारण पॉसिबल है। और ये सारा का सारा एक्साइटमेंट आपको कहां मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में मिलेगा। इसलिए बता रहे हैं कि फिजिक्स सबसे अधिक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इसमें। आप जितना निकल जाइए उतना ज्यादा ये आपका इंटरेस्ट इसके अंतर्गत बढ़ाते जाएगा, है ना। आप डूबते जाइएगा, आप इसका गहराई नहीं माप पाएंगे। तो ये है फिजिक्स का रियल एक्साइटमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स किस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस प्रकार ये अलग अलग विषयों को हेल्प करता है, उसके उसके इम्प्रूवमेंट में ये किस प्रकार से हेल्प करता है। तो अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, बहुत प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये सब पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो बनते हैं, दो अलग अलग एटम जुड़ जाते हैं और एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, है ना, कोई नया कंपाउंड बनाते हैं, तो ये जुड़ते हैं, इनमें एक फोर्स लगता होगा, किसी ना किसी फोर्स के कारण ही होंगे। ये फोर्स या तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो सकता है, या न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूक्लियर और इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। केमिकल रिएक्शन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है इलेक्ट्रिकल। तो जो भी आप लोग इंटरमॉलिकुलर फोर्स हुआ, इंटर एटॉमिक फोर्स हुआ, ये सब किस नेचर का है, ये सब का नेचर क्या है, तो ये सब इलेक्ट्रिक नेचर का है। तो कोई भी कंपाउंड बनता है ना, केमिस्ट्री का इंप्रूवमेंट कंपाउंड के इंप्रूवमेंट से होगा। तो कंपाउंड कोई भी बनता है ये किसके थ्रू बनता है, तो ये यूज करता है फिजिक्स का फोर्स। वो इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ तो, न्यूक्लियर फोर्स हुआ तो, या ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ तो, कोई भी फोर्स। और ये सारे के सारे फिजिक्स का फंडामेंटल फोर्स है ना, ये नेचुरल फोर्स है, ये इनबिल्ट होता है, ये कहीं से लाया नहीं जाता, ये ऑलरेडी ये जो फोर्स है ऑलरेडी ब्रह्मांड के उत्पत्ति के समय से ही हमारे साथ। तो ये फोर्स हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और यही फिजिक्स जो है ये हेल्प किया जिसके कारण केमिस्ट्री का इतना इंप्रूवमेंट हुआ। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो ये देखिए ये एक्सरे जो है ना, एक्सरे भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपको केमिस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए, बायोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए। आप ही जितना मेडिकल टर्म है,
मेडिकल टर्म जितने भी हैं, जाते हैं कोई भी फ्रैक्चर हुआ, हाथ में फ्रैक्चर हुआ, पैर में फ्रैक्चर हुआ, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर तुरंत लिख देता है कि जाके एक्सरे करा के लाइए इस उस पार्टिकुलर अंग का। आप जाते हैं एक्सरे कराते हैं और एक्सरे कराने के बाद उस एक्सरे रिपोर्ट को डॉक्टर देखने के बाद बताता है कि नहीं यहाँ पे आपका टूटा हुआ है या नहीं, आपका टूटा हुआ नहीं है। तो ये किसके कारण संभव हो पाया? ये संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के कारण। फिजिक्स ने एक्सरे को इन्वेंट किया, फिजिक्स ने यूनिवर्स को या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को एक्सरे दी और जिस कारण से ये डेवलपमेंट हो पाया। जितना भी आपका जैसे आंख का डिवाइस हुआ है ना, लेंस हुआ, आपके जितना भी मतलब कि ऑपरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं है ना, या फिर आपको बायोसेल्स को ऑब्जर्व करना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से है ना, या फिर और भी अदर ऑप्टिकल सेल्स सबको बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन सबको ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस सब का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आता है? ये सब का सब फिजिक्स का देन है ना। तो फिजिक्स इस प्रकार से भी बायोलॉजी का हेल्प करता है, ना सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये एस्ट्रोनॉमी को भी हेल्प करता है। जितना भी जायंट आप टेलीस्कोप देखिएगा जिसके थ्रू यहीं पे पृथ्वी पे हैं और मरकरी पे क्या घटना हो रहा है सारा का सारा देख रहे हैं, मरकरी का जो इमेज ले रहे हैं, अभी जो ब्लैक होल का जो इमेज लिया गया, जो एक छोटा सा इमेज जो था वो 128 जीबी का साइज था या फिर या उससे भी ज्यादा का था। तो ये पृथ्वी पर बैठ के इतना करोड़ों मील दूर जो है, अरबों मील दूर कोई भी वस्तु का हम इमेज प्राप्त कर ले रहे हैं, ये किस कारण से संभव हुआ? फिजिक्स के कारण से संभव हुआ। मंगल पे हम लोग जीवन का जो है मंगल पे जीवन की तलाश कर रहे हैं, जो रॉकेट के मदद से वहां पे जाके तलाश कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे टेलीस्कोप से हम लोग देख रहे हैं वहां पे ना, रेडियो टेलीस्कोप जो है उसके मदद से भी। तो ये सारा का सारा जो है जो हम लोग जो भी चीज एस्ट्रोनॉमी में सर्च कर पा रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी का इम्प्रूवमेंट जो हो पा रहा है, ये सब किसके कारण है? फिजिक्स के कारण। ओशियन, आपके ओशियन में क्या क्या गड़बड़ी है ना, कब तूफान आ रहा है, सिस्मोलॉजी जो है कि आपका भूकंप वगैरह ये सब का भी है ना, रिएक्टर स्केल पे जो मेजरमेंट होता है, तो ये सारे के सारे जो है भूमि के अंदर का भी है ना, जमीन के अंदर का भी जो साइंस है, ये भी पूरी तरह से कोई डिवाइस जो अगर बना रहे हैं, किसी भी प्रकार का डिवाइस बना रहे हैं, तो वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पर ही आधारित हो सकता है। और फिजिक्स के प्रिंसिपल पर आधारित है तो वो योगदान किसका हुआ? फिजिक्स का हुआ ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स जो है हर प्रकार से सब किसी का सारे सब्जेक्ट को इंप्रूव कर रहा है, तो वो है फिजिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिजिक्स में फंडामेंटल फोर्सेस जो कितने होते हैं और उनका क्या क्या नेचर होता है। थैंक यू।